दूसरा अध्याय 56 पृष्ठ 33वां श्लोक। दूसरा अध्याय 56 पृष्ठ 33वां श्लोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। महाराज ने कहा, ऐसा जानते हुए भी अब यदि तू इस धर्ममय संग्राम को नहीं करेगा तो अपने धर्म को, तेरा धर्म क्या है, कर्तव्य पालन को और अपनी कीर्ति को त्याग कर केवल पाप ही को पाएगा। इससे तू अपने धर्म और यश को छोड़कर पतित हो जाएगा। जिस कर्म से मनुष्य के बुद्धि बल का, विवेक विचार का, शक्ति समर्थ का, आत्मा का, जाति बंधु का, कर्तव्य और समाज का पतन हो जाए, वह कर्म पाप है। इस 33वें श्लोक में भगवान हम सबको समझा रहे हैं, अर्जुन को निमित्त बनाकर, कि धर्म में युद्ध में इससे विमुख हो जाने पर अगर तू ये लड़ाई नहीं लड़ेगा तो अपना धर्म और अपनी कीर्ति दोनों ही नष्ट कर देगा। धर्म और कीर्ति नष्ट होने से पाप का भागी हो जावेगा, लोग तेरी हंसी उड़ाएंगे। धर्म का नाश होने से पाप का भागी होकर नरक धाम में चला जाएगा और अपकीर्ति होने से इस लोक में तेरी जीते जी निंदा होती चली जाएगी। इसमें तुझे क्या लाभ होने वाला है? अब युद्ध कर। ये पहले हम जान चुके हैं इससे पहले श्लोकों में कि प्रत्येक मानव के लिए उसकी इंद्रियां ही कौरव रूप हैं। अपनी इंद्रियों के साथ युद्ध करना है और कौरव रूपी इंद्रियों से लड़ करके उन पर विजय हासिल करना प्रत्येक मानव का कर्तव्य है। यह कर्तव्य कर्म के अंतर्गत है, वहित कर्म है। अपनी इंद्रियों के वशीभूत ना हो जाना, द्वंद्व करना, युद्ध करना। अब इंद्रियां बार बार उसे सता रही हैं, उसे दबा रही हैं। क्या बार बार इंद्रियों से दबते रहना, उनसे हारते रहना और दुष्ट कर्म करते रहना उचित होगा? ये कौरव रूपी तेरी इंद्रियां तेरा दमन करने को सदैव तत्पर है। तू शस्त्र उठा, धैर्य को रख, धर्म का पालन कर, अपनी इंद्रियों की दास्ता तो छोड़ दे। अपनी इंद्रियां मन बुद्धि चित्त भी यहां पर कर्म इंद्रियां
और ज्ञानेंद्रियां, इन सबको एक कर ले। इनका जो धर्म है उसका तो पालन कर। इंद्रियों की खींचातानी में तुम मत पड़। अगर तू इनके वश में पड़ा रहेगा, ये जो तेरे शत्रु हैं, तो अगर इनके वश में पड़ा रहेगा तो तेरे पाप कर्म बलपूर्वक ये इंद्रियां अपने साथ तुझे खींच कर ले जावेंगे। अगर तू इन इंद्रियों का दमन नहीं करेगा तो अधर्मी कहलाएगा। परिणाम स्वरूप पापमय लोकों में प्रवेश कर जावेगा, जहां इंद्रियां सुखी सब कुछ वर्णन किया गया, और अगला जन्म भी जहां इंद्रियां सुख वह जूनिया है, केवल उसमें तू प्रवेश कर जावेगा। वहां पर कर्तव्य अकर्तव्य को नहीं देखा जाता। अगर तूने ऐसा अपना स्वभाव बना लिया, अपनी आत्मा को उस जूनी में तू ले जावेगा, केवल इंद्रिया रस तक तू सीमित हो जावेगा। अब इस विपरीतता में अनर्थ कर्म और व्यर्थ कर्म करके अपना नाम तो तू डुबोएगा ही, अपने बाप दादा के नाम को भी बट्टा लगावेगा, और रहते जीवन तक लोग तेरी अपकीर्ति कर कहते जावेंगे। युद्ध में हार गया तो लोग केवल यहां तक ही, बहुत बलवान था, बड़ा प्रयत्न किया परंतु भाग्य ने साथ नहीं दिया, तो एक बार ये बात कहकर भूल जावेंगे, दोबारा ये बात जुबा पे नहीं लेके आवेंगे। परंतु अगर तू पीछे भाग गया, प्रयत्न नहीं किया, लोग अपकीर्ति, बहुत अपने आप को बलवान समझता था, बहुत धर्मात्मा समझता था, और यह किया, यह अपकीर्ति युगों युगों तक उदाहरण के तौर पर बनी रहेगी, और सम्मानित मनुष्य का अपयश उसके लिए मरने से भी बढ़कर दुखदाई हो जाता है। तो यहां युद्ध कर। कौरव कौन है? हमारी इंद्रियां। इंद्रियों के वश में पड़ करके अपने धर्म का त्याग ना कर, धर्म तेरा है मिल जगदीश मिलन की वरिया, और इंद्रियां ये बाधक बन जाती हैं। आगे भगवान कहते हैं, और सदा रहने वाली तेरी अपकीर्ति को लोग वर्णन करते रहेंगे। अब अर्जुन, भगवान अगर लोग मेरी अपकीर्ति करेंगे तो मेरा क्या बिगड़ता है, लोग तो बोलते ही रहते हैं। अर्जुन, ये नैतिक मार्ग नहीं है, अनैतिक है। अब लोग जो तेरी अपकीर्ति करेंगे, तू इस धरती पर जीवित रहना तेरे लिए कठिन हो जावेगा। जो सम्मानित है, जो आदर सम्मान मिला हुआ है, जब वह छिन जावेगा, तेरे लिए तो मरने से बढ़कर दुखदाई हो जावेगा। तेरा सामना नहीं अभी हुआ, मैं तुझे कह रहा हूं, तू बच जा इनसे। सम्मानित मनुष्य का अपयश उसके लिए उसके मरने से बढ़कर दुखदाई हो जाता है।
अधर्म में अपयश को। लोक में माने हुए क्षत्रिय मरने से भी बहुत बुरा, बढ़कर बुरा मानते हैं। बड़े सेनापति तो तुझे भय से रण से हटा हुआ मानेंगे, वह ये नहीं मानेंगे कि तू बंधु प्रेम और दया के कारण संग्राम से हट गया है, जिनमें तू सम्मान पा चुका है। उनकी दृष्टि में हल्का हो जाएगा, वे तुझे तृण तुल तुच्छ मानने लग जाएंगे। इतिहास गवाह है। अकबर और महाराणा प्रताप, अकबर दमनकारी अहंकारी, सभी राज्यों पर अपना अधिकार जमाए हुए। उनकी बहनों और बेटियों के साथ विवाह करके दासता को दास बनाए हुए, राजे महाराजाओं को अपना साम्राज्य विस्तार की ओर लगा हुआ है। परंतु महाराणा प्रताप